नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा है। कई देशों में पाबंदियों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। भारत में भी इसके मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से ना घबराने की अपील करते हुए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने की सलाह दी है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या तीसरी लहर आने की अब संभावना बढ़ गई है। तो आपको बता दें कि इस वेरिएंट की विशेषताओं को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत समेत ज्यादातर देशों में इसके फैलने की संभावना है। ये किस पैमाने पर बढ़ेगा और इस बीमारी की गंभीरता कितनी होगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि भारत में वैक्सीनेशन की तेज गति, डेल्टा से ज्यादा संक्रमितों को मिली सीरो पॉजिटिविटी को देखते हुए इस वेरिएंट के कम गंभीर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में और साक्ष्य जुटा रहे हैं। वहीं इस वेरिएंट से बचने के लिए हमें पहले की तरह ही सावधानी बरतनी होगी। सही तरीके से मास्क लगाएं, अगर अब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है तो इसे जल्द से जल्द ले लें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जहां भी रहे वहां अधिकतम वेंटिलेशन बनाए रखें। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन पर काम करेगी। इस बात के कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन पर काम करेगी या नहीं। हालांकि स्पाइक जीन के कुछ म्यूटेशन वैक्सीन की क्षमता को कुछ कम कर सकते हैं। वैक्सीन की सुरक्षा शरीर में बनी एंटीबॉडी इम्यूनिटी द्वारा ही होती है, जो अपेक्षाकृत बेहतर होने की उम्मीद है। इसलिए वैक्सीन अभी भी गंभीर बीमारी के प्रति सुरक्षा देती है। इसलिए जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो उसे लगवाना बहुत जरूरी है। अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो इसे जरूर लगवा लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।